आज हम अपनी बीवी को दुनिया की सबसे महंगी ताजमहल पैलेस से 2 किलोमीटर दूर मौजूद होटल फाउंटेन प्लाजा में लंच कराने ले जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रहे हो? वहाँ लिखा है ना, स्माइल, यू आर ऑन सीसीटीवी। पेट तो भर गया, अब बिल कौन भरेगा? अरे नहीं नहीं, आप खा लो, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो ना, बोलो पेंसिल। पेंसिल आप भरोगे आज खाने का बिल। मुंबई में आज ही हमारा पहला दिन था और हम आके पहुंच गए यहाँ की फेमस चोर बाजार में। बाजार के अंदर घुसने से पहले हमारी बीबी अपने आप को तैयार कर लेती है। ओ जी सुनिए, ये आपका मोबाइल भी अंदर डाल दीजिए, वरना आपका मोबाइल चुरा के आपको ही बेच देंगे यहाँ के लोग। किसकी इतनी जरूरत? वैसे आपको पता नहीं तो बता दूं, हमारी जेब मार मार के हमारी बीबी इतनी शातिर चोरनी बन चुकी है कि इनके सामने ये चोर बाजार के चोर भी कम पड़ जाएंगे। बूढ़ी बाबा, यहाँ तो बड़े बड़े ब्रांड के शैम्पू साबुन सब किलो के भाव में बिक रहे हैं, आपको लेना है क्या? अरे गंजे हो जाओगे, जाने दो। ये लो, चोरों से बचाने के लिए किस तरह अपने बैग को झुला लिया इन्होंने, देख लो। वैसे कितने पैसे हैं बैग में? 55 रुपए। वाह, इतनी बड़ी धनराशि को बचा के वैसे भी क्या कर लोगे आप? जिधर भी नजर जा रही थी सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब एक जगह फटी हुई चड्डी बिकते हुए नजर आती है। अरे आपको पता है क्या, इंडिया की एक फेमस ब्लॉगर चोर बाजार से 100-100 रुपए में ऐसे पर्स खरीद के दिखावा करती है। अच्छा क्या नाम है उसका? सागरिका दास, सिद्धी दास की बहन। मेरे लायक कुछ भी नजर नहीं आ रहा इधर। अरे आपके लायक कुछ दिखा, नीचे देखिए क्या है। अरे ये तो कुत्ते का गुए। अरे बचपन के सीडी कैसेट भी बेच रहे हैं ये लोग। अरे वो छोड़ो, दारू के खाली बोतल भी बेच रहे हैं ये लोग। अब इसको कौन लेगा? ये देखो अंग्रेजों के जमाने का रेडियो। अरे इतनी छोटी टीवी कौन देखता होगा? जिनकी हाइट छोटी होगी। उस जमाने के म्यूजिक सिस्टम्स की तो बात ही अलग थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, यहाँ आके हम 30 साल पीछे चले जाते हैं और पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती है। भैया क्या ये चोरी का माल है? नहीं मैडम, पूरा ओरिजिनल है। अरे रे रे, सॉरी भैया, हमको बस चोरी का माल चाहिए। चलो जी चलो। कुछ इस तरह हम अपनी चोरनी के साथ पूरे चोर बाजार में अगले 2 घंटे तक घूमता रहा। भैया ये चोर बाजार है ना? जी हाँ मैडम। तो आप चोर हो ना? फाइनली हमारी बीवी ने ये फ्रूट मिक्सचर खरीदा, दुकानदार 150 में दे रहा था पर हमारी शातिर बीवी ने सिर्फ 250 में मना लिया। ये लो अपनी अमानत, लीची 100 रुपए किलो ले लो। पहले मैं टेस्ट करूंगी भैया। पैक कर दूं? ठीक से चखने तो दो भैया। कर दीजिए। लाओ 200 रुपए निकालो। ये तो 100 रुपए का था ना। चखने के बहाने जो 1 केजी लीची खा गई उसके पैसे कौन देगा? 200 से 1 पैसे कम नहीं लूंगा। देखो भैया मैं चली जाऊंगी। जा फूट ले। भैया के साथ झगड़ा करके हमारी बीवी गुस्से में लाल हो जाती है। तुरंत ही उन्हें ठंडा पिला के गुस्से को शांत करवाता हूँ। देखते देखते शाम ढल गई। फाइनली दोनों वापस होटल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ इस तरह मुंबई में आज हमारा पहला दिन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को दबा दिया करो यार। जल्दी मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए।